दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने दुनिया को जो दिया उसने ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में पूरी दुनिया की सोच बदल दी। 1963 में स्टीफन हॉकिंग को उनके मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी होने का पता चला। तब उनकी उम्र 21 साल थी। इस बीमारी में सभी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टरों ने जब कहा कि वो सिर्फ 2 साल तक ही जीवित रह सकते हैं, कोई आम इंसान होता तो उसी वक्त उसका दिमाग शून्य में चला जाता। लेकिन जिस तेजी से स्टीफन के शरीर ने काम करना बंद किया, उससे ज्यादा तेजी से उनका दिमाग एक्टिव होता गया। लाइलाज बीमारी के बावजूद स्टीफन हॉकिंग ने भौतिक विज्ञान की दुनिया में जो योगदान दिया, उसने उन्हें महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। ये स्टीफन हॉकिंग ही थे जिन्होंने ब्रह्मांड के जटिल रहस्यों को सरल शब्दों में दुनिया को समझाया। स्टीफन का ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत दुनिया को समझाने में अहम योगदान रहा। इसी के चलते उन्हें अमेरिका के उच्च नागरिक का सम्मान भी दिया गया। स्टीफन ने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की किताब लिखी जो बेस्ट सेलर रही। 2007 में उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। उन्होंने कहा था कि अगर हम अंतरिक्ष में रहने के लिए जगह नहीं ढूंढेंगे तो इंसानों का भविष्य खत्म हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में लेक्चर दिए। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया था। स्टीफन हॉकिंग को उनके कामों के लिए 1979 में अल्बर्ट आइंस्टाइन मेडल, 1982 में द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और 1988 में भौतिक विज्ञान में वॉल्फ प्राइज से सम्मानित किया गया। उनके जीवन पर 2014 में एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस फिल्म में स्टीफन का किरदार एडी रेडमैन ने निभाया था, जिसके लिए उन्होंने उस साल बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड भी जीता। जब 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग को अपनी लाइलाज बीमारी के बारे में पता चला था, तब उन्होंने कहा था कि वो 2 साल नहीं बल्कि 50 साल जिएंगे, और हुआ भी वही। 55 साल व्हील चेयर पर बिताने वाले स्टीफन हॉकिंग पूरे 76 साल की उम्र तक जिए, और ऐसे जिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा ब्रह्मांड में स्टीफन हॉकिंग का नाम गूंजता रहेगा। At one point, I thought I would see the end of physics as we know it, but now I think the wonder of discovery will continue long after I am gone.